न्यूट्रॉन स्टार्स, बेहद भारी, बेहद सघन, एक्सट्रीम, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, हॉट, स्केरी, ये प्लैनेट्स को नष्ट करते हैं और नष्ट कर सकते हैं स्टार्स को भी। एक कॉस्मिक रहस्य, ये बहुत बड़े होते हैं लेकिन साथ ही बहुत छोटे भी होते हैं। ये छोटी कॉस्मिक सुपर पावर्स लंबे वक्त से ब्लैक होल्स के साए में रही हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स अब मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स में काफी अहमियत हासिल कर चुके हैं। दुनिया के एस्ट्रोनोमर्स जानते हैं कि कुछ तो हो रहा है, कुछ ऐसा है जो नया भी है और बिल्कुल अलग भी। न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स में मौजूद सबसे दिलचस्प एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स आज प्रसिद्धि पा चुके हैं। ये हमारे सबसे कीमती एलिमेंट्स और जिंदगी के भी रचयिता हैं। विज्ञान शो पेश करता है नाइटमेयर्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स। पृथ्वी से 13 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर है एनजीसी 4993 नाम की एक गैलेक्सी। दो मर चुके तारे तेजी से घट रहे चक्र में फंसे हुए हैं। ये कॉस्मोस की आवाज को सुनने जैसा ही है। इस कोलिशन की आवाज को जब आप सुनते हैं तो लगता है कि ये स्पेस और टाइम के ताने बाने से ही बनी हुई है। ये है लिविंगस्टन लुइसियाना की एडवांस्ड लाइगो ऑब्जर्वेटरी। इसका मिशन है स्पेस में मौजूद ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाना। ग्रेविटेशनल वेव स्पेस टाइम का एक विकृत रूप है। इसके लिए अक्सर कोई बहुत ही जबरदस्त ग्रेविटेशनल इवेंट जिम्मेदार होता है। इन इवेंट्स में कोई सुपरनोवा, ब्लैक होल्स या विशाल तारों की टक्कर शामिल हो सकती है। 2015 लाइगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाकर एक इतिहास बनाया। आइंस्टाइन की भविष्यवाणी के 100 साल बाद ये निशानी थी ब्लैक होल्स की टक्कर की। ये बिल्कुल वैसा है जब आप किसी दूर गई कार की टक्कर की आवाज सुनते हैं लेकिन उसे देख नहीं पाते, लेकिन आप इतने समझदार हैं और इस कार क्रैश की आवाज इतनी अनोखी है कि आप अपने कंप्यूटर्स के जरिए वैसे ही कार्स के मॉडल्स बना सकते हैं जो आपस में टकराए होंगे। 2017 में लाइगो ने एक अलग किस्म का सिग्नल पकड़ा। अगस्त 2017 में जो इवेंट हुआ वो सचमुच बहुत ही अनोखा था। एक सिग्नल मिला और ये सिग्नल बहुत ही अजीब था। ये काफी देर तक रहा। इसकी अवधि 100 सेकंड से भी ज्यादा थी। 2 सेकंड से भी कम समय बाद एक गामा रे टेलीस्कोप ने आकाश के उसी हिस्से से गामा रेस की एक चमक का पता लगाया। और बहुत जल्दी एस्ट्रोनोमर्स को ये पता चल गया कि कुछ तो हो रहा है, कुछ ऐसा है जो नया भी है और बिल्कुल अलग भी है। इस लंबे ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल और गामा रेज की चमक के इस मेल ने एस्ट्रोनोमर्स के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम किया। जब उन्होंने इस इवेंट को देखा तो उन्होंने दुनिया भर के एस्ट्रोनोमर्स को ये संदेश भेजा कि हमने कुछ दिलचस्प देखा है और ये चीज आसमान के एक खास हिस्से में नजर आई। इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी में गहमा गहमी शुरू हो गई और सबने आकाश के इस खास हिस्से की तरफ अपने टेलीस्कोप्स का मुंह मोड़ दिया। चंद घंटों में ही पूरी दुनिया के हजारों एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट्स ने इस रहस्यमय इवेंट के बारे में डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वहाँ सिर्फ ग्रेविटेशनल वेव्स या सिर्फ गामा रेज ही मौजूद नहीं थी, बल्कि दिखने वाली लाइट इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट भी थी, और इन सब सिग्नल्स का एक साथ दिखना एक कहानी बयान। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें ये दो मल्टीपल मैसेंजर्स एक साथ दिखे, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स और रेगुलर लाइट। तो ये एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बहुत ही अनोखा पल था। साइंटिस्ट समझ गए कि ये ब्लैक होल्स की कोई आम टक्कर नहीं है, ये तो कुछ अलग ही है। जब आप यूनिवर्स में कोई धमाका देखते हैं तो वहाँ इसके लिए ज्यादा चीजें जिम्मेदार नहीं होती हैं। यूनिवर्स में ज्यादा चीजों में धमाके नहीं होते हैं।
लेकिन सिग्नल्स का इतना लंबा होना कुछ खास बता रहा था। दो ब्लैक होल्स की टक्कर बहुत जल्दी हुई। पहले स्पीड तेज थी, फिर धीमी हुई। वो इसमें घूम रहे थे दो न्यूट्रॉन स्टार्स। ये घूमते हुए और करीब आते गए, स्पीड बढ़ती गई, और जब इन्होंने एक दूसरे को छुआ, आपस में टकराए, तो आसपास के सिस्टम में जबरदस्त एनर्जी रिलीज हुई। इस टक्कर से मैटर के विशाल बादल ऊपर उड़े होंगे, जिनसे लाइट की रफ्तार बहुत मामूली सी घटी होगी। रोशनी और ग्रेविटेशन की ये लहरें 13 करोड़ लाइट ईयर्स तय करके एक साथ पृथ्वी पर पहुंची होंगी। दशकों से साइंटिस्ट्स ये थ्योरी पेश करते आए हैं कि न्यूट्रॉन स्टार्स टकराते हैं और उसे टकराने पर क्या कुछ होता है, लेकिन पहली बार वो ऐसा होते देख रहे थे। पिछली सदी में ये बताने वाली बहुत सी थ्योरीज पनपी कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, और अब हमने बड़ी बड़ी मशीनें बना ली हैं, जैसे कि लाइगो ऑब्जर्वेटरी, सर्न की LHC और प्लॉक ऑब्जर्वेटरी। और जब इन्होंने इन चीजों को ढूंढा, तो इस बात की पुष्टि हुई कि हमारी थ्योरीज सही हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स अचानक एस्ट्रोनॉमर्स की दुनिया में रोशनी में आ गए। अचानक ही न्यूट्रॉन स्टार्स अब मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स में काफी अहमियत हासिल कर गए हैं। लंबे वक्त से ये ब्लैक होल से बिछड़ते आए हैं, लेकिन अब पासा पलट गया है और न्यूट्रॉन स्टार्स सुर्खियों में हैं। ब्लैक होल्स के बारे में हर कोई सवाल पूछता है। असली विलेन उन्हें माना जाता है और उनके साथ राज जुड़े हुए हैं। पर मुझे लगता है कि न्यूट्रॉन स्टार्स की गलत तरह से अनदेखी की गई है। देखिए, ब्लैक होल्स के बारे में हर किसी ने सुन रखा है, उनकी तरफ सबका ध्यान जाता है, जबकि न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स के सबसे कमाल की चीजों में से एक हैं। बतौर इंसान हमें स्टार्स के बारे में अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि सारा एक्शन तो स्टार्स के साथ ही होता है, लेकिन स्टार का कोर ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। किसी छोड़ दिए गए न्यूट्रॉन स्टार का कोर इतना अजीब और अनोखा होता है कि ये मूल स्टार से भी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। अगस्त 2017 में इन दोनों तारों का मेल हुआ और ये एस्ट्रोनॉमी में पिछले 2 दशकों की सबसे अहम इवेंट है। एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार न्यूट्रॉन स्टार्स को आपस में टकराते देखा। उन्होंने इसे नाम दिया किलोनोवा, और ऐसी शानदार कॉस्मिक इवेंट से सिर्फ एनर्जी ही रिलीज नहीं होती। इस न्यूट्रॉन स्टार किलोनोवा की टक्कर के बाद बहुत सारा मलबा पैदा हुआ जो स्पेस में फैल गया, और इससे शायद हमें ये सबूत मिला होगा कि कुछ बहुत ही खास हैवी एलिमेंट्स आखिर बनते कहाँ हैं। किसी न्यूट्रॉन स्टार्स के खत्म होने से जीवन के पनपने के लिए जरूरी तत्व वजूद में आते हैं। हम सांस में लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, O2 को, पानी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा बना है कार्बन कंपाउंड से, जिसमें शामिल है नाइट्रोजन और फास्फोरस। मानवता के इतिहास के बारे में साइंस का एक बड़ा सवाल ये रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स पैदा कहाँ से होते हैं, और पता ये चला कि कई ऐसे हैवी एलिमेंट्स को बनाने में न्यूट्रॉन स्टार्स एक अहम रोल अदा करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर एलिमेंट्स बने हैं तारों में, लेकिन सबसे भारी एलिमेंट्स कैसे बने, ये साइंस से जुड़े आज तक के कायम रहस्यों में से एक है। हम ये जानते थे कि इन भारी एटम्स, गोल्ड, प्लैटिनम और यूरेनियम जैसी चीजों के बनने के साथ एक समस्या मौजूद रही, और यूरेनियम में जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली इवेंट हुई वो थी सुपरनोवा के धमाके। तो इनकी रचना किसी तरह सुपरनोवास में भी हुई होगी। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने कंप्यूटर सिमुलेशन किए, तो वर्चुअल सुपरनोवास इन बड़े आकार के एटम्स को बनाने में नाकाम रहे। 2016 में एस्ट्रोनॉमर ईडो बर्गर ने इस रहस्य के एक संभावित समाधान के बारे में बताया। अगर आप इनमें से कोई भी किताब खोलें और किसी ऐसे पेज पर जाएं जो बताता है सोना कहां से आया, तब ये पता चलेगा कि वो सुपरनोवा के धमाकों से आया। लेकिन ये साफ होता जा रहा था कि टेक्स्ट बुक्स पुरानी पड़ चुकी थी। हैवी एलिमेंट्स बनाने के लिए बहुत से न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो एक और मुमकिन थ्योरी ये थी
कि सबसे भारी एलिमेंट्स एक बाइनरी सिस्टम्स में दो न्यूट्रॉन स्टार्स के मेल से बने हैं। लेकिन तब तक किसी ने भी किसी न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर को नहीं देखा था। कम्युनिटी को इस बात पर राजी करना बहुत मुश्किल था कि ये हैवी एलिमेंट्स के बनने की एक जगह हो सकती थी। सबूत तभी मिलता अगर यूनिवर्स में इस प्रोसेस को होता देखा जाता। और 2017 के किलोनोवा ने इसके लिए एकदम सही मौका मुहैया करा दिया। इसने हजारों घंटे का डेटा जनरेट किया और साइंटिस्ट को एक पैटर्न नजर आया। किलोनोवा के अवशेषों के रंग में मामूली बदलाव देखे गए। स्पेस में जब कोई बहुत ब्राइट इवेंट होती है तो उससे एक खास लाइट निकलती है जिसकी कुछ खास वेवलेंथ होती है जिसे हम रंग मानते हैं। पायरोटेक्निक्स में दिखने वाले अलग अलग रंगों के लिए फायरवर्क्स में अलग अलग केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह साइंटिस्ट धमाके के रंगों के आधार पर किसी किलोनोवा के एलिमेंट्स का भी पता लगा सकते हैं। किलोनोवा के लाल होने पर वो समझ जाते हैं कि ये हाल ही में बने हैवी एलिमेंट्स का नतीजा है जो नीली रोशनी को जज्ब करना शुरू कर रहे हैं। जब हमने अवशेषों में ये बदलाव देखा, धमाके के रंग बदलते, इसे फैलते और ठंडा होते देखा, तो हम अंदाजा लगा सकते थे कि किस तरह के एलिमेंट्स पैदा हो रहे थे। इस मलबे की रोशनी नीली और बैंगनी से लाल और इंफ्रारेड हो गई। और रंगों के इस बदलाव ने कुछ हैवी मेटल्स की मौजूदगी से जुड़े सुराग मुहैया करा दिए। न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर से इस किलोनोवा ने ऐसी चमक और रंग पैदा किए वो गोल्ड और प्लैटिनम बनाने वाली मॉडल्स की प्रेडिक्शन से मेल खाते हैं। इस मॉडल को कहा जाता है आर प्रोसेस। इसका पूरा नाम है रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर। ये जरा एक पेचीदा टर्म है जो बताती है कि हम आयन से भी ज्यादा भारी एटम कैसे बनाते हैं। इसके लिए न्यूट्रॉन से भरपूर माहौल चाहिए और जैसा आप सोच सकते हैं कि किसी न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर न्यूट्रॉन से भरपूर एक माहौल होती है। ये बात मुझे हैरान कर देती है। अगर ये मॉडल सही है तो किलोनोवा की इस टक्कर से पृथ्वी के मास से कई दर्जन गुना सिर्फ सोना बना होगा। दो हजार सत्रह का किलोनोवा सिर्फ अहम एलिमेंट्स के मूल के बारे में नहीं बताता बल्कि न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदरूनी हिस्से पर भी रोशनी डालता है। ये है यूनिवर्स का सबसे दमदार मटेरियल और इसने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से भी एक खरब गुना ज्यादा जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा। दो न्यूट्रॉन स्टार्स मौत के एक चक्र में फंस गए हैं। किलोनोवा का ये विशाल धमाका न सिर्फ सोने और प्लैटिनम जैसे हैवी मेटल्स के बनने पर रोशनी डालता है बल्कि ये साइंटिस्ट को इस यूनिवर्स की बेहद रहस्यमय चीजों के बारे में अनोखी जानकारी भी देता है। कोई न्यूट्रॉन स्टार कैसे हो सकता है, ये अनुमान लगाना हमारी कल्पना के साथ साथ हमारे थियोरेटिकल फिजिक्स को भी चुनौती देता है। हमें हमारे कंप्यूटर मॉडल्स और हमारे मैथमेटिक्स की मदद लेनी होगी ये जानने के लिए कि कैसे होता है। पर अब साइंटिस्ट्स को अपनी कल्पना पर निर्भर करने की जरूरत नहीं। वो अब किलोनोवा के हार्ड डेटा का इस्तेमाल करके न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं। इस एक इवेंट को देख कर ही एक टकराते न्यूट्रॉन के नजर आने से ही हम इतनी जानकारी पा सकते हैं। अब पहली बार हमें न्यूट्रॉन स्टार्स और इसके डायमीटर का सही से अनुमान मिल गया है। अब आखिरकार हम ये जान पाएंगे कि न्यूट्रॉन स्टार्स काम कैसे करते हैं। उन्होंने गणना की कि इसका डायमीटर सिर्फ 32 किलोमीटर है यानी मैनहट्टन की लंबाई से सिर्फ 1.5 किलोमीटर कम। किसी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को नेल डाउन करना बहुत जरूरी होता है और अगर ऐसा होगा तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा और आप मास जानते हैं तो डेंसिटी भी पता चल जाएगी और अगर डेंसिटी पता चल गई तो ये भी पता चल जाएगा कि किसी न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर की लेयरिंग कैसी है। फिजिसिस्ट्स के लिए किसी न्यूट्रॉन स्टार का भीतरी हिस्सा यूनिवर्स की सबसे पहली नुमा जगहों में से एक होती है। आपको ये समझना होता है कि किसी न्यूट्रॉन स्टार के अंदर की स्थितियाँ यहाँ पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही अलग तरह की होती है। हम ऐसे मटेरियल्स की बात कर रहे हैं जो इतना डेंस है कि एटम्स के न्यूक्लियाई भी एक साथ नहीं रह पाते। किसी न्यूट्रॉन स्टार का वजन तो सूर्य से भी ज्यादा होता है
मगर उसे कंप्रेस करके बना दिया जाता है किसी शहर से भी छोटा। ये इतना डेंस होता है कि अगर आप इसे जमीन पर रखें तो ये पृथ्वी के पार हो जाएगा। हाई डेंसिटी का मतलब है हाई ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी से भी 200 अरब गुना ज्यादा। सोचिए आप किसी न्यूट्रॉन स्टार की सतह पर किसी टेबल पर चढ़कर वहां से छलांग लगा दें। आप फौरन उस सतह पर समतल होकर एकदम फैल जाएंगे, तो वहां पुशअप करने की तो सोचेगा भी मत। जबरदस्त ग्रेविटी के साथ साथ वहां बेहद ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड्स, गजब का एक्सरे रेडिएशन, आकाशीय बिजली से 3 करोड़ गुना से भी ज्यादा दमदार इलेक्ट्रिक फील्ड्स और हाई एनर्जी पार्टिकल्स वाले अंधड़ भी होते हैं। और किसी स्पेस ट्रैवलर के लिए ये जगह अच्छी नहीं होगी। अगर आप किसी न्यूट्रॉन स्टार के करीब आ जाएं, तो ये खबर आपके लिए अच्छी नहीं होगी। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स आपके टुकड़े टुकड़े कर देगी, फिर एक्सरे रेडिएशन आपको भून देगी, और आपको करीब खींचते हुए इसकी जबरदस्त ग्रेविटी एटम्स की और मॉलिक्यूल्स को खींचकर उनकी एक लंबी स्ट्रीम बना देगी। आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी और आप आखिरकार सतह से टकराएंगे, बिखर जाएंगे, और इस प्रोसेस से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जितनी एक न्यूक्लियर बॉम्ब से होती है। अगर मुझे ये चुनने को कहे कि मुझे किसी न्यूट्रॉन स्टार में गिरना है या ब्लैक होल में, तो मैं ब्लैक होल को चुनूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाड़ डाले और एक्सरेज मुझे ब्लास्ट कर दें। कॉस्मिक स्केल पर न्यूट्रॉन स्टार्स का आकार बहुत छोटा हो सकता है, पर इनमें ताकत बहुत होती है, और इस जमा ताकत का राज है इसकी सतह के नीचे चल रही गतिविधियां। अब हमारे पास किलोनोवा डेटा है, तो अब हम किसी न्यूट्रॉन स्टार के केंद्र तक की वर्चुअल यात्रा कर सकते हैं, पर पहले हमें इसके एटमॉस्फेयर से होकर गुजरना होगा। किसी न्यूट्रॉन स्टार का एटमॉस्फेयर पृथ्वी जैसा नहीं होता है जो 160 किलोमीटर तक ही हो। इसका एटमॉस्फेयर तो बस इतना गहरा होता है और बहुत ही डेंस होता है हमारे आसपास की हवा के मुकाबले। हमें पता है कि न्यूट्रॉन स्टार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला होता है, और ऐसा इसलिए है कि किसी न्यूट्रॉन स्टार्स की सतह के नजदीक ग्रेविटी ज्यादा होती है। ये काफी डेंस होती है, इसमें कार्बन जैसे कई एटम्स हो सकते हैं, हीलियम भी हो सकती है। इसकी बनावट किसी क्रिस्टल जैसी होती है, और ये निर्भर करता है एटमॉस्फेयर में इसकी लोकेशन पर। पर इसके अलावा भी कई अनूठे एक्सेप्शंस होते हैं। कैसियोपिया ए के केंद्र में मौजूद न्यूट्रॉन स्टार का एटमॉस्फेयर अजीब और गैर भरोसेमंद होता है। ये बना होता है कार्बन गैस से और इसकी गहराई होती है 10 सेंटीमीटर। तो अपनी जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से न्यूट्रॉन स्टार काफी एटमॉस्फेयर में एक्युमुलेट कर सकते हैं। हमारा सबसे करीबी न्यूट्रॉन स्टार कैसियोपिया ए के केंद्र में है, जो एक सुपरनोवा का अवशेष है। उसका एटमॉस्फेयर कार्बन से भरा हुआ है। अगर आप इस सारे कार्बन को लेकर कंप्रेस करके उसे 10 सेंटीमीटर मोटे शेल में बदल दे, तो इसे मिल जाएगी हीरो जैसी डेंसिटी। इस न्यूट्रॉन स्टार्स को बनाया जा सकता है हीरो की एक बाहरी परत, पर ये बिल्कुल भी चमकदार नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इसकी अंगूठी बनाकर किसी को गिफ्ट कर दें और आप फिर भी देते हैं तो वो इंसान पक्का नाराज हो जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये आसमान में किसी भी हीरे की तरह नहीं चमकता है। सच ये है कि मैं इसके आसपास भी नहीं भटकना चाहूंगा। किसी न्यूट्रॉन स्टार्स की सतह पर एक जबरदस्त एनर्जी होती है, और आप इसके आसपास कभी भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसके कंप्रेस्ड एटमॉस्फेयर के नीचे आयनाइज्ड आयन का एक क्रस्ट होता है, क्रिस्टलाइन न्यूक्लियाई और फ्री फ्लोइंग आयरन इलेक्ट्रॉन्स का एक मिश्रण। यहाँ ग्रेविटी इतनी दमदार होती है कि ये पूरी तरह स्मूथ होता है। इसकी सतह पर मौजूद सबसे बड़ा पहाड़ भी आधा सेंटीमीटर ऊंचा ही होगा। आधा सेंटीमीटर ऊंची पहाड़ी रेंज अजीब लग सकती है, पर सतह के नीचे जाने पर तो हालात और भी अजीब हो जाते हैं। यहां मौजूद होता है दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल। ये इतना अजीब है कि साइंटिस्ट इसे मानते हैं न्यूक्लियर पास्ता जैसा। अगर हम किसी न्यूट्रॉन स्टार के क्रस्ट के नीचे आ जाएं, तो न्यूट्रॉन आपस में जुड़कर बड़ी अजीबोगरीब शेप्स बना लेते हैं। पहले वो क्लम्प्स बनाते हैं जो दिखते हैं नियो की जैसे, फिर वो गहराई में नियो की आपस में जुड़कर स्पेगेटी जैसे लंबे रेशे बना लेते हैं। इससे और भी ज्यादा गहराई में स्पेगेटी आपस में जुड़कर कुछ ऐसे बन जाती है जैसे कि लज़ानिया,
और फिर लजानिया आपस में जुड़कर सुराख वाला यूनिफॉर्म्ड मास बन जाता है, जो कि दिखता है बिल्कुल पेने जैसा। ये है पास्ता न्यूक्लियर स्टाइल। इसका तापमान हो जाता है 560,000 डिग्री सेल्सियस। जबरदस्त ग्रेविटी न्यूट्रॉन्स को मोड़ती, भींचती, खींचती और तोड़ती है। इससे एक मटेरियल बनता है लोहे से भी 1,00,000 गुना डेंस मटेरियल। लेकिन ये सफर और चरम होता जाता है, और भी ज्यादा गहराई वाला हिस्सा और रहस्यमय हो जाता है, जो हमारी समझ के परे है। और किसी न्यूट्रॉन स्टार का कोर इन परतों से बहुत दूर होता है, जिन्हें हम न्यूक्लियर पास्ता कहते हैं। और यही शायद मैटर का सबसे कमाल का रूप भी है। ये इतना कमाल का है कि शायद मैटर के किसी भी ब्लैक होल में पूरे ग्रेविटेशन कोलैप्स से पहले ये इसकी आखिरी मंजिल होगी। नासा की चंद्रा ऑब्जर्वेटरी से मिले डेटा से पता चला है कि कोर बना होता है एक सुपर फ्लूइड का। ये मैटर की एक अजीब फ्रिक्शन मुक्त स्थिति होती है। लैब में बनाए गए ऐसे ही सुपर फ्लूइड्स अजीब प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ बहने की खूबी और एयर टाइट कंटेनर से भी बाहर निकल जाना। हालांकि किसी तारे के अंदरूनी हिस्से की हमारी जानकारी अब भी अस्पष्ट है, लेकिन इसके हैरत अंगेज जन्म, इसके जीवन और यूनिवर्स की सबसे हैरत अंगेज इवेंट कोई रहस्य नहीं है। ये है एक विशाल तारे की धमाकेदार मौत। न्यूट्रॉन स्टार्स का साइज होता है मैनहैटन जितना, लेकिन मास हमारे सूर्य से भी 2 गुना। ये इतना डेंस होता है कि इसके 1 चम्मच मैटर का वजन भी 1 अरब टन होता है। ये है हैरान करने वाली चीजें जो पहुंची बड़े धमाके के साथ। न्यूट्रॉन स्टार्स अपने पेरेंट स्टार की मौत के बाद वजूद में आते हैं। ये पुनर्जन्म या मृत्यु से जीवन पनपने की एक कमाल की कहानी है। ये सब एक कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है। स्टार्स बहुत ठंडी गैस की विशाल बादलों से पैदा होते हैं, और ये बादल अपनी ही ग्रेविटी के तले ढह जाते हैं, और ऐसे कोलैप्स के सेंटर की कोर डेंसिटी बढ़ने लगती है। कोई तारा एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता है। इसकी ग्रेविटी की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये एटम्स को आपस में जोड़कर और ज्यादा भारी एलिमेंट्स बनाता जाता है। तारा हाइड्रोजन को हीलियम से जोड़ देता है। जब इसका हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तो अगर ये काफी बड़ा हो तो ये अपने कोर में हीलियम को फ्यूज करना शुरू करता है। फ्यूजन जारी रहने से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयरन बनते जाते हैं। जब किसी स्टार के कोर में आयन बन जाता है, तो ये उसे जहर देने जैसा होता है, क्योंकि इससे स्टार के कोर में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्शन खत्म हो जाते हैं। आप कोई चीज आयरन के साथ जोड़े तो एनर्जी नहीं मिलेगी। अचानक ग्रेविटी के क्रश को बढ़ाने के लिए कोई चीज बचती ही नहीं। बाहर को पुश करने वाला रेडिएशन प्रेशर ना होने से बाहरी हिस्सों को अंदर की तरफ गिराने वाला प्रेशर भी नहीं बचता, और ये ऐसा ही करते हैं। जब कोई तारा दम तोड़ने लगता है, तो इसका कोर पूरे यूनिवर्स में एक बहुत ही अजीब और डरावने प्रेशर कुकर जैसा बन जाता है। सब चीजें तैयार होती हैं, और अब वक्त होता है एक न्यूट्रॉन स्टार्स के बनने का। अगर हम एक एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज बढ़ाकर किसी बेसबॉल जितना कर दें, तो एक नॉर्मल एटम में और सबसे करीबी इलेक्ट्रॉन में इन पेड़ों जितनी दूरी होगी। लेकिन जिन कंडीशंस की वजह से एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के करीब पुश किया जा सकता है, और वो किसी भी दिशा से इधर आ सकते हैं। और अगर टेम्परेचर और प्रेशर काफी ज्यादा हो, तो वो न्यूक्लियस पर हमला करके उसमें दाखिल भी हो सकते हैं और किसी प्रोटॉन से टकरा सकते हैं। ऐसा करने पर वो ज्यादा न्यूट्रॉन्स की शक्ल ले लेते हैं, तो ऐसी किसी चीज के बनने के दौरान प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाते हैं और सिर्फ प्योर न्यूट्रॉन ही बचे रह जाते हैं। इन्हें आपस में टकराने से, पूरी बेसबॉल के न्यूट्रॉन से भर जाने से कोई नहीं रोक सकता, और इससे पैदा होती है बेहिसाब डेंसिटीज, जैसा कि मैंने अभी समझाया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सागर एटॉमिक न्यूक्लियाई में जज्ब हो गया है, तो स्टार्स का मैटर कहीं ज्यादा कसावट के साथ एक दूसरे से सट सकता है। ये ऐसे ही होगा जैसे 30 करोड़ टन मास को दबाकर एक शुगर क्यूब बना दी जाए।
किसी तारे के ढहने के दौरान गैस की जबरदस्त मात्रा इसके कोर की तरफ आती है। कोर का साइज छोटा लेकिन मास बहुत बड़ा होता है। इसमें से अरबों टन गैस निकलती है और फिर होता है कॉस्मोस में आतिशबाजी का सबसे बड़ा शो, सुपरनोवा। यह होता है विशाल, चमकदार और जबरदस्त। सुपरनोवा यूनिवर्स के सबसे नाटकीय इवेंट्स में से एक होते हैं। सिर्फ एक तारे के दम तोड़ने से या फिर कहीं मरने से पूरी गैलेक्सी रोशन हो सकती है। इन्हें देखना कमाल होता है। इनमें विशाल धमाके होते हैं, इनमें अरबों सूर्यों की ऊर्जा होती है। किसी सुपरनोवा की शुरुआती चमक में जब शॉकवेव निकलकर बाहरी एटमॉस्फेयर को गर्म करती है तो ये 10 या 20 मिनट से लेकर कुछ घंटे और ज्यादा से ज्यादा एक दिन तक कायम रह सकती है। जब मैंने अपनी गैलेक्सी में मौजूद सुपरनोवा की तस्वीरें पहली बार देखी तो मेरे तो होश ही उड़ गए। कोई गैलेक्सी ही अपने आप में कमाल की होती है। इसमें होते हैं अरबों खरबों स्टार्स लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी पर, लेकिन वहां एक चीज ऐसी है जो खलनायकों का भी खलनायक होती है और उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। जब दूर गैलेक्सीज में सुपरनोवास फटते हैं तो अक्सर उनकी चमक पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा होती है। तो सुपरनोवा ऐसी जबरदस्त ड्रामेटिक इवेंट्स होती हैं जिनमें नए एलिमेंट्स की रचना होती है। किसी सुपरनोवा से निकलने वाली ताकत को देखना सचमुच एक कमाल का एहसास है। मेरा दिमाग फौरन तेजी से काम करने लगा और मैं उन कमाल की तबाहियों के बारे में सोचने लगा जिनके नतीजे में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये कमाल की ताकत है। इसे देखना अद्भुत होगा। एक ऐसे धमाके के बारे में सोचिए जो इतना दमदार है कि सिर्फ स्टार को ही नहीं उसके आसपास के प्लैनेट्स को भी तबाह कर देता है और आसपास के स्टार्स को भी नष्ट कर सकता है। अगर किसी सुपरनोवा में हमारे काफी करीब धमाका होता है तो ये हमारे ग्रह को खत्म कर देगा। ये किसी तारे की तरफ से यूनिवर्स में भेजा जाने वाला आखिरी संदेश होता है, जैसे कि गुड बाय। और इस तबाही से जन्म लेती है एक नई और बहुत ही अजीब कॉस्मिक एंटिटी। जब सुपरनोवा के धमाके में उठा धुआं आखिरकार छटता है तो पूरे यूनिवर्स के सबसे दिलचस्प और हैरतअंगेज विशाल ऑब्जेक्ट में से एक नजर आता है। इंसान हजारों सालों से सुपरनोवास को देखते आए हैं, लेकिन अब हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसे समझना शुरू कर पाए हैं। न्यूट्रॉन तारों का जन्म। लेकिन जहां सुपरनोवास बड़े और चमकदार हैं, न्यूट्रॉन तारे छोटे हैं और कई तो रोशनी भी नहीं छोड़ते। तो आखिर न्यूट्रॉन तारों की संख्या कितनी होगी? हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में करीब 2000 न्यूट्रॉन तारे होंगे, लेकिन शायद इनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा है। मेरे हिसाब से सिर्फ मिल्की वे में ही ये करोड़ों होंगे और यूनिवर्स में इनकी तादाद तो अरबों में होगी। न्यूट्रॉन तारे छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ यूनिवर्स में रोशनी की बीम छोड़ते हुए अपना पता दे देते हैं। ये एक कॉस्मिक लाइट हाउस जैसे नजर आते हैं। न्यूट्रॉन तारों के बारे में हमारी जानकारी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ 50 साल पहले तक हमें नहीं मालूम था कि ये होते भी हैं। लेकिन फिर एक खोज हुई। कैम्ब्रिज की मोलार्ड रेडियो ऑब्जर्वेटरी में जोसलिन बेल नाम की एक ग्रेजुएट स्टूडेंट नए रेडियो टेलीस्कोप के जरिए आकाश की स्कैनिंग और एस्ट्रोनॉमी से जुड़े प्रयोग कर रही थी और तभी उन्हें डेटा में कुछ अनियमितता नजर आई। ये अनियमितता ऐसी थी जो लगातार रेडिएशन के बर्स्ट को दिखा रही थी और इसकी शुरुआत हो रही थी पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर। ये इतनी स्थिर और लगातार थी कि बेल को लगा कि उनके टेलीस्कोप में कोई गड़बड़ हो गई है। जब वो उस जगह लौटी तो उन्हें खुद को नियमित रूप से दोहराता सिग्नल मिला। आकाश में एक ऐसी जगह थी जहां से लगातार चमक आ रही थी, जैसे कि कह रही हो, हाय हाय, ब्लिप ब्लिप ब्लिप, बूम बूम बूम, पल्स पल्स पल्स। हम यूनिवर्स में ऐसी किसी चीज को नहीं जानते जो इतने समान अंतर पर सिग्नल देती हो। ये इतनी परफेक्ट थी कि नकली सी लग रही थी। लग रहा था जैसे कोई इसे बना रहा हो, पर पता चला कि ये काम कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज कर रही थी।
उन्होंने जो पाया वो चीज थी पल्सर। पल्सार तेजी से घूमता एक किस्म का न्यूट्रॉन स्टार होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में 1930 के दशक में थ्योरी तो मौजूद थी, लेकिन वो इतने धुंधले थे कि उनका पता लगाना मुश्किल था। न्यूट्रॉन स्टार्स की मौजूदगी के बारे में सोचा तो जाता था, मगर उस सोच में गंभीरता बिल्कुल नहीं होती थी। लोग समझते थे, ओ ये तो बड़ा क्यूट है, शायद ये यूनिवर्स में होंगे या फिर नहीं होंगे। बेल ने जिस सिग्नल का पता लगाया वो किसी साइंस फिक्शन जैसा लग रहा था। एस्ट्रोनॉमी से जुड़े किसी भी शख्स ने पहले इसे नहीं देखा था और कुछ को तो लगा कि ये एक एलियन सिग्नल है। बेल ने इन्हें नाम दिया एलजीएम ऑब्जेक्ट लिटिल ग्रीन मैन। लेकिन फिर बेल को एक दूसरा सिग्नल मिला, द लिटिल ग्रीन मैन, फिर से माने गए काल्पनिक और पल्सार्स बने साइंस से जुड़ी हकीकत। पल्सार्स की खोज अचानक से ही हो गई, किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी, तो ये एक कमाल की खोज थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पल्सार्स पल्स करते हैं क्योंकि ये बने हैं घूमने के लिए। जब इनका पेरेंट स्टार एक सुपरनोवा के दौरान टकराता है तब ये वजूद में आते हैं। अगर कोई चीज किसी भी तरह की कंप्रेशन इवेंट से गुजर रही है तो अगर इसमें शुरू में कोई एंगुलर मोमेंटम होता है तो फिर ये घूमना शुरू करेगी ही। किसी सुकड़ते तारे की घूमने की रफ्तार और तेज होती जाती है। ये इतनी तेजी से इसलिए घूमते हैं क्योंकि एक विशाल तारे का पृथ्वी के आकार जितना कोर कोलैप्स होकर किसी शहर जितना छोटा हो जाता है। तो क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा हो गया है तो इसके घूमने की दर का इतना तेज होना जरूरी ही था। न्यूट्रॉन स्टार वाकई बहुत तेजी से घूम सकते हैं। इनकी सतह इतनी तेजी से घूमती है कि कुछ मामलों में तो लाइट की रफ्तार से भी 20% ज्यादा तेज हो जाते हैं। तो अगर आप किसी न्यूट्रॉन स्टार की राइड पर जाते हैं तो कोई प्रेग्नेंट औरत, पीठ के दर्द वाले लोग, कमजोर दिल वाले लोग, सब अपने हाथ और पैर समेट कर रखें, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो आपके हाथ पैर अलग हो जाएंगे। और ये घूमते समय एनर्जी की बीम को फ्लैश करते रहते हैं। ये बीम किसी लाइट हाउस की बीम जैसी होती है और ये एक सेकेंड में कई बार फ्लैश होती रहती है, तो आपको ये दिखती रहती है बीम बीम बीम। ये बीम जैसे एक तरह पल्सार का पता होती है। ये किसी न्यूट्रॉन स्टार के अंदर अपने रहे एलिमेंटल केओस की वजह से होती है। हालांकि कोई तारा न्यूट्रॉन की एक बॉल जैसा होता है, पर इसके क्रस्ट में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो एक सेकंड में सैकड़ों बार घूमते हुए एक कमाल का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। दमदार मैग्नेटिक फील्ड के जरिए आप एक दमदार इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं और फिर ये दोनों एक साथ काम करते हुए बन जाते हैं रेडिएशन। ये न्यूट्रॉन स्टार रेडिएशन के जेट्स बीम को अपने घूमते पोल से बाहर भेजते हैं, और अगर इनका घूमता पोल अपना अलाइनमेंट खो देता है, अगर ये थोड़ा झुक जाते हैं तो ये बीम पूरे यूनिवर्स में चक्कर काटने लगती है, और अगर हम ऐसी किसी सर्कल के रास्ते में आ जाएं हमें चमक दिखे। जैसे आप किसी शिप पर होते हैं और आपको किसी कोहरे वाली रात की लाइट हाउस दिखाई देता है, उसी तरह आप विशाल स्पेस में पल्सार्स को भी देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही तेज चमकने वाली बीम्स होती है। पर कभी कभी पल्सार्स को और पुश मिल जाता है जिससे उनकी घूमने की रफ्तार और तेज हो जाती है। इसे और मटेरियल मिलने की वजह से इसके घूमने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो जाती है। इसे एक्रेशन कहते हैं। इससे पहले से ही तेज रफ्तार से घूम रहे पल्सार की स्पीड और तेज हो जाती है। किसी आसमानी खलनायक की तरह पल्सार्स अपने ज्यादा करीब किसी भी ऑब्जेक्ट की जान जैसे अपने अंदर खींच लेते हैं। इस मटेरियल को उनकी तरफ खींचती है ग्रेविटी। इसका मतलब है कि इसके घूमने की रफ्तार पहले से और तेज होती जाती है। ये मिली सेकेंड पल्सार्स घूमते हैं करीब 700 रेवोल्यूशंस पर सेकंड के हिसाब से। आप इसे किचन ब्लेंडर कह सकते हैं। ये काट सकते हैं, ये स्लाइस कर सकते हैं और ये फ्राई भी कर सकते हैं। तो आखिर वो क्या बात है जो न्यूट्रॉन स्टार्स को खुद को अपने टुकड़े टुकड़े करने से रोकती है? न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ही कमाल की चीज होते हैं। इनमें इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि वो इन्हें आपस में जोड़े रखती है, और इसलिए ये इतनी तेज रफ्तार से घूमने पर भी आपस में जुड़े रहते हैं।
इनमें बहुत ही दमदार ग्रेविटी होती है और इसकी वजह से ही ये इतनी तेज स्पीड पर घूमने के बावजूद आपस में जुड़े रहते हैं। इसके घूमने की स्पीड का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी पर दिन 24 घंटे का होता है, पर किसी न्यूट्रॉन स्टार पर यह होता है 1 सेकंड के 700वें हिस्से का। बेहद तेज रफ्तार वाले पल्सार सी ऐसी अजीब चीज नहीं है जिनसे साइंटिस्ट्स का सामना हो रहा है। यूनिवर्स में एक और किस्म का न्यूट्रॉन स्टार भी है जिसका मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस मैग्नेटिक मॉन्स्टर को कहा जाता है मैग्नेटार। लाइट बीम्स भेज रहे न्यूट्रॉन स्टार्स पर नजर रखने वाले एस्ट्रोनॉमर्स को एक और बहुत ही अजीब चीज नजर आई है। ऐसा बहुत ही कम होता है जब ये अचानक अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। कमाल है, ये एक बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट है और अचानक इसके घूमने की स्पीड बढ़ जाती है। ये बिल्कुल अचानक से होता है, एकदम से इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। और इसके लिए काफी ताकत चाहिए, ये इन्हें मिलती कहाँ से है? स्पीड में अचानक आए ये बदलाव कहलाते हैं ग्लिचेस। इन ग्लिचेस के पीछे का एक मेन आइडिया ये है कि कोर मटेरियल क्रस्ट से चिपक जाता है और इससे इसके घूमने के तरीके पर फर्क पड़ जाता है। फिर क्रस्ट के नीचे मौजूद एक्सेस मटेरियल इसे खो देता है, इससे पैदा होता है ग्लिच। इस प्रोसेस से रिलीज होता है बहुत सारा रेडिएशन और एक्स रेज का ब्लास्ट हो जाता है और इसकी वजह से न्यूट्रॉन स्टार का फेस खुद को दोबारा अरेंज करता है और इसके घूमने की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन इसकी और वजह भी हो सकती है। ग्लिचेस स्टार क्वेक्स की वजह से भी पैदा हो सकते हैं। कभी कभी क्रस्ट फट जाता है। कोई भी ऐसी चीज जो पल्सर की बनावट को बदलती है वो उसके घूमने की रफ्तार को बदल सकती है। तो क्या इसमें इतनी ताकत होती है कि ये इन स्टार क्वेक्स को पैदा कर सके? ये मानना मुश्किल है कि यूनिवर्स में ऐसी कोई ताकत है जो किसी न्यूट्रॉन स्टार के अंदर के मैटर का रूप बदल सके जिस पर ग्रेविटी का जबरदस्त असर हो। पर अगर बात किसी न्यूट्रॉन स्टार की हो तो एक चीज ऐसा जरूर कर सकती है, इसका मैग्नेटिज्म। स्टार के अंदर मौजूद जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड्स इतने ऐंठ सकते हैं कि उसके क्रस्ट को फाड़ कर उसे खोल सकते हैं। तो इसकी सतह लगातार अपनी बनावट और आकार बदल सकती है और किसी न्यूट्रॉन स्टार की सतह में चंद मिलीमीटर जैसा मामूली सा बदलाव आने पर भी इससे बेहिसाब एनर्जी रिलीज हो सकती है। न्यूट्रॉन स्टार की जबरदस्त ग्रेविटी तारे की सतह को स्मूथ कर देती है लगभग तुरंत ही, और यूं लगता है जैसे ग्लिच हुआ ही ना हो। अगर बात हो न्यूट्रॉन स्टार की तो मैग्नेटिक उथल पुथल का कोई अंत होता ही नहीं। आइए मिले यूनिवर्स के सबसे दमदार मैग्नेटिक फील्ड कंपटीशन के लगातार बने रहे चैंपियन से। ये है मैग्नेटार। किसी सुपरनोवा के दौरान बना हर 10 में से एक स्टार मैग्नेटार बन जाता है। मैग्नेटार का नाम ही इनके बारे में बता देता है। इनका मैग्नेटिक फील्ड इतना दमदार होता है कि किसी एस्ट्रोनॉमर जैसा शख्स भी इन चीजों को देखकर हैरत में पड़ जाता है जिसे इतनी बड़ी संख्या देखने की आदत होती है। मैग्नेटार का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के ऐसी फील्ड से 1000 खरब गुना से भी ज्यादा ताकतवर होता है। तो इतना ज्यादा मैग्नेटिज्म तो पास आने वाली किसी भी चीज की बखियां उधेड़ देगा। हम जिन भी चीजों से वाकिफ है वो अगर किसी मैग्नेटार के करीब आती है तो उसके चितड़े उड़ जाएंगे। जरा सी भी मूवमेंट वाला कोई चार्ज पार्टिकल अपने एटम से अलग हो जाएगा। ये सिचुएशन बहुत ही अजीब होगी। मैग्नेटार्स में चमक तो बहुत होती है पर जीवन होता है छोटा। हमें लगता है कि मैग्नेटार्स यानी इन मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन की उम्र छोटी हो सकती है। उनके मैग्नेटिक फील्ड इतने ताकतवर होते हैं कि बहुत कम वक्त में ही खत्म हो जाते हैं, सिर्फ कुछ 1000 सालों में ही। ऐसा लगता है कि इनकी ये ताकत ही इनके पतन की वजह बनती है। इनका मैग्नेटिक फील्ड इतना ताकतवर होता है कि ये अपने आसपास के मटेरियल को उठाकर इसकी स्पीड बढ़ाता है, पर ये एक ड्रैग की तरह इसकी स्पीड भी धीरे धीरे घटाता है। न्यूट्रॉन स्टार का घुमाव कम होता है और मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है। अपने जीवन काल में मैग्नेटार्स पल्सार्स के मुकाबले एकदम अलग तरह काम करते हैं। इनमें बीम्स नहीं होती, इनके मैग्नेटिक फील्ड्स हाई इंटेंसिटी रेडिएशन के विशाल बर्स्ट शूट करते हैं। पर हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार ढूंढा है जिसे क्लासिफाई करना मुश्किल है। इसका बर्ताव कभी कुछ तो कभी कुछ होता है।
ये वाला स्टार बाकी एकदम अजीब चीज है। इसका बर्ताव किसी रेडियल पल्सर और हाईली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटार दोनों की तरह होता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड्स जबरदस्त होते हैं, इसके मैग्नेटिक आउटबर्स्ट हो सकते हैं, पर इसके पोल से रेडिएशन का स्ट्रॉन्ग जेट भी निकल रहा होता है। इसकी पर्सनैलिटी एक तरह से स्प्लिट नजर आती है। इसे सबसे पहले 2000 में देखा गया था, तब ये किसी पल्सार की तरह रेडियो वेव्स छोड़ रहा था। फिर 16 साल बाद इसने पल्सिंग रोक दी और अचानक ही जबरदस्त एक्सरे बर्स्ट भेजने लगा, जैसा कि कोई मैग्नेटार करता है। इससे साइंटिस्ट्स हैरान हो गए। हमें नहीं पता ये किसी मैग्नेटार में बदलता कोई पल्सार है या पल्सार में बदलता कोई मैग्नेटार। एक थ्योरी ये है कि ये एक्सरे बर्स्ट्स इसलिए हुए क्योंकि स्टार का मैग्नेटिक फील्ड अचानक ऐंठ गया। ये तनाव इतना बढ़ गया कि स्टार फट गया और इसके फ्रैक्चर क्रस्ट से एक्सरेज रिलीज होने लगी। कोई न्यूट्रॉन स्टार यूनिवर्स में मौजूद सबसे डेंस मटेरियल होता है, फिर भी ऐसी चीज देखी गई है जो इसे शिफ्ट करती है, खींचती है। ये न्यूट्रॉन स्टार मैग्नेटिक फील्ड के फोर्सेस के कारण खुद को ही फाड़ लेता है। और अगर यही बात है तो शांत से न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं उफनते हुए मैग्नेटार्स, और इनकी उम्र बढ़ती है असम्मानजनक तरीके से। अगर आप किसी इंसान की लाइफ साइकिल के बारे में सोचें तो वो धीरे धीरे शांत होता जाता है, पर न्यूट्रॉन स्टार्स के साथ उल्टा होता है। वो अपने जन्म के वक्त की रफ्तार से और तेज होते जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ऐसा ही होता है। इसे आप रिवर्स एजिंग प्रोसेस कह सकते हैं। पर ऐसे चरम बदलाव दुर्लभ ही होते हैं, ज्यादा पल्सार्स तो एकदम सटीक तरीके से चलते हैं। पल्सार्स आमतौर पर काफी रेगुलर होते हैं, आप तो उनकी पल्स के हिसाब से अपनी घड़ी तक मिला सकते हैं। और इसी स्थिरता का इस्तेमाल हम भविष्य में यूनिवर्स की खोजबीन के लिए कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टारशिप कैप्टन हैं, तो आपको चाहिए होता है एक गैलेक्टिक GPS सिस्टम, और शायद न्यूट्रॉन स्टार हमारे लिए ये काम कर सके। ये फ्लैशेस न सिर्फ बेहद भरोसेमंद होती हैं, बल्कि हर पल्सार की अपनी एक खास चमकती बीम भी होती है। हर एक की अपनी थोड़ी सी अलग फ्रिक्वेंसी होती है, हर एक की अपनी अलग दर होती है, गैलेक्सी में कोई भी कहीं भी क्यों ना हो इन पल्सर्स की पोजीशंस को लेकर सहमत होगा। पल्सार्स की अनोखी पहचान भविष्य में स्पेस ट्रैवल की पहेली नुमा संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। हम पल्सार्स के जरिए स्पेस में अपनी सही सही पोजीशन जान पाएंगे, क्योंकि ये पल्सार्स इतने सटीक होते हैं कि हम उनका इस्तेमाल बिल्कुल उन GPS सैटेलाइट्स की तरह कर सकते हैं जो पृथ्वी से ऊपर मौजूद हैं। नेविगेशनल एड्स के तौर पर पल्सार्स का इस्तेमाल कोई नया आइडिया नहीं है। इसकी पहचान नासा वॉयेजर मिशन में 1970 के दशक के दौरान की गई थी। उस स्पेसक्राफ्ट की सतह पर मौजूद है एक गोल्डन रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड की प्लेट पर एक पल्सार मैप है जो किसी एलियन सिविलाइजेशन को पृथ्वी को ढूंढने का रास्ता बता सकता है, क्योंकि ये 14 एक दूसरे को जानने वाले पल्सार्स के हिसाब से पृथ्वी की पोजीशंस का यूज करता है, जिससे कोई भी इन पल्सार्स की पोजीशंस के जरिए हमारे प्लैनेट की पोजीशंस को जान पाएगा। एलियंस ने कॉन्टैक्ट नहीं किया है, पर नासा आज भी पल्सार मैप्स का इस्तेमाल करता है। नासा ने हाल ही में नाइसर सेक्सटांट नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, और जिसका इस्तेमाल इस तरह की थ्योरीज टेस्ट करने में किया जाता है। इसने पल्सार्स का इस्तेमाल पृथ्वी के इर्द गिर्द 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही एक चीज का पता लगाने के लिए किया, और वो इसके 5 किलोमीटर के दायरे तक इसकी सटीक लोकेशन जान पाए, जो कमाल की बात है। ज्ञात पल्सेस के हिसाब से इनकी पोजीशंस पहचान कर भविष्य के स्पेस मिशंस यूनिवर्स में एक से दूसरी जगह जा सकेंगे। न्यूट्रॉन स्टार हमें इस कमाल के सफर पर ले जाएंगे। ये गैलेक्सी में अपनी जगह पहचानने जैसा ही जरूरी है। हम सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार्स हमें दिखा सकते हैं कि हम मिल्की वे में कहाँ हैं। मैं साइंस फिक्शन काफी पढ़ता हूँ, और मुझे एक से दूसरे स्टार तक, एक से दूसरे प्लैनेट तक जाने का आइडिया अच्छा लगता है। ये सोचना अजीब है कि भविष्य में इन विशाल एटॉमिक न्यूक्लियाई को
हम एक गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट ग्रिड की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। ये न्यूट्रॉन स्टार्स जैसी तेजी से घूमती अजीब ढंग से बनी मैग्नेटिक और बेहद ग्रेविटेशनल चीजें हैं। पहले न्यूट्रॉन स्टार्स को लिटिल ग्रीन मैन समझा जाता था, पर तब से ये काफी रास्ता तय कर चुके हैं। पहले इन्हें अजीब चीज माना जाता था, लेकिन अब असली स्टेलर सुपरस्टार्स की तरह ये सुर्खियों में हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि हमने अभी इन्हें स्टडी करना शुरू ही किया है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इनके बारे में काफी कुछ जाना है, पर बहुत कुछ जानना बाकी है। बेहद मामूली न्यूट्रॉन से पैदा होते हैं सबसे ताकतवर, तेज रफ्तार, जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड और कॉस्मोस की सबसे ज्यादा दिलचस्प चीजें। मुझे फीनिक्स का यह आइडिया बहुत पसंद है, जो मरने के बाद फिर से जी उठता है। आपको लगेगा कि कोई चीज खत्म हुई तो खत्म हुई, लेकिन उसके बाद कोई और भी ज्यादा खूबसूरत चीज वजूद में आ जाती है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, लेकिन आपने यकीन नहीं किया, पर आप शायद कर लेंगे कि न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स में मौजूद सबसे दिलचस्प एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रश्न या प्रतिक्रिया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा चैनल विज्ञान शो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी और आप हमारे साथ इस विज्ञान की रोमांचक यात्रा में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।